शनिवार 28 मार्च 2020 सुबह 10 बजे भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा किया अलग अलग मौद्रिक नीति में बदलाव, ब्याज दर कम कर दिया और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने ये घोषणा किया कि जो भी आज बैंकों से और सिर्फ बैंकों नहीं NBFCs और भी जो भी आज कर्ज लिया है 3 महीना के लिए उनको वापस देना नहीं पड़ेगा और जो भी वर्किंग कैपिटल के लिए भी कर्ज लिया है उनको ब्याज दर नहीं देना पड़ेगा 3 महीना के लिए। यह भी कह दिया कि जो भी उनकी एसेट है इसके क्लासिफिकेशन में कोई बदलाव नहीं आएगा और उन्होंने एक तरह से एक राजनेता की तरह से लोगों को बोला कि आप चिंता मत कीजिए, शांत रहिए। और उनका आधा घंटे से थोड़ा सा ज्यादा जब भाषण दिया वो खत्म किया एक तरह से जो राजनेता कहते हैं, स्टे क्लीन स्टे सेफ गो डिजिटल, साफ रहिए सुरक्षा सुरक्षित रहिए और डिजिटल चल जाइए। फिर भी ये कहा, वो खुद आशावादी है, फिर भी वो उनका भाषण में उन्होंने कहा कि कभी उन्होंने इस तरह से अनिश्चितता नहीं देखा, अनप्रेसिडेंटेड अनसर्टेनिटी। और ये बोला कि इतना अनिश्चित पूरा अर्थव्यवस्था का स्थिति है, आने वाले दिनों में मुद्रास्फीति कहां रहेगा, भारतवर्ष के जीडीपी या सकल घरेलू उत्पाद किस रफ्तार से बढ़ेंगे, इसके ऊपर वो कुछ कहने नहीं चाह रहे। और ये जो मौद्रिक पॉलिसी का जो समिति है इसमें 6 सदस्य है, 4 मानल्य और 2 कम राय अलग था, इतना ही हमें इस वक्त मालूम है। 2-3 मोटा सवाल होते हैं, ये जो ब्याज दर है ये किसके लिए, ये किसके लिए महत्वपूर्ण है? बड़े कॉर्पोरेट्स जिन्होंने बड़े बड़े पैसा बैंकों से लिया, मगर ये जो नया कर्ज लेंगे उनके लिए है? सवाल उठता है कि इस वक्त लोग तो लोन नहीं ले रहे, कर्ज नहीं ले रहे। निर्मला सीतारामन देश के वित्त मंत्री भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास के भाषण के बाद उन्होंने ट्वीट किया, वो कहा कि बैंकों को ये जो ब्याज दर भारतीय रिजर्व बैंक ने एक तरह से सिग्नल किया करना चाहिए, कम कर दीजिए ब्याज दर। कुछ दिनों से भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को यही कह रहे कि भारतीय रिजर्व बैंक के पास पैसा मत रखो, जो आज लोन मांग रहे हैं जो कर्ज मांग रहे उनको दो, प्रोडक्टिव पर्पसेस, जिस तरह से कुछ उत्पादन बढ़ेगा। समस्या और कुछ है, आज अर्थव्यवस्था का इतना बुरा हालत है तो लोग कर्ज क्यों लेंगे, निवेश क्यों करेंगे? अगर उनका मांग बढ़ेगा तो निवेश करेंगे। तो कहना इतना ही है कि हाँ, ये जो ब्याज दर इन्होंने कम किया ये अर्थव्यवस्था के ऊपर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक बैंकों से लोन लोग नहीं लेंगे इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, आज जो बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट्स है, जो बड़े बड़े जो कर्ज लिए है बैंकों से, हाँ उनके कैश फ्लो अच्छा हो जाएगा क्योंकि 3 महीना उसको ये वापस नहीं देना पड़ेगा, उनका जो वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो ब्याज दर है वो भी कम हो गया। मगर अब बड़ा छवि अगर देखेंगे, भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था का स्थिति बहुत ही खराब था, कोरोना वायरस के बाद और भी खराब हो गया। तो ये जो भारतीय रिजर्व बैंक का जो घोषणा किया और बोला भी अगस्त महीना से आज लगभग भारतवर्ष का जीडीपी का 2% नया लिक्विडिटी यानी कि पैसा अर्थव्यवस्था में सिस्टम में डाल दिया,
इसमें कोई फर्क पड़ेगा? मेरा ख्याल है नहीं, क्योंकि ये लिक्विडिटी आज समस्या नहीं है, इतना बड़ा समस्या नहीं है। और भी मैं दो चीज कहना चाहता हूं, जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जो हमारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण के लिए जो कार्यक्रम के लिए जो घोषणा किया, आज भी मैं समझता हूं भारतीय रिजर्व बैंक जो भी घोषणा किया टू लेट कम है, इसका फायदा नहीं होगा। आप विश्व में देखिए, विकसित देश जैसा था, जैसे अमेरिका, यूरोप के अलग अलग देश, दक्षिण एशिया में अलग अलग देशों में जो राहत का जो पैकेज है भारत जीडीपी का, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद का 10% या 10% से ज्यादा है, वहां के लोग टैक्स ज्यादा देते हैं। जिस तरह से भारतवर्ष के अर्थव्यवस्था में जो संकट चल रहे हैं, वहां पे ऐसा स्थिति नहीं था। लोग कह रहे थे कि हां, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव जीत के वापस आ जाएंगे, क्योंकि अमेरिका का अर्थव्यवस्था इतना खराब नहीं है। मगर भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था ये कोरोना वायरस के पहले ही खराब था, और इसके बाद और भी स्थिति खराब हो जाएगा। तो ठीक है, हम कहेंगे कि सरकार का, भारतीय रिजर्व बैंक का जो करना चाहिए, और भी बहुत कुछ करना चाहिए गरीब के लिए, किसानों के लिए, जो बेघर है उनके लिए, जो कमजोर हिस्से समाज के, जो अभी तक घोषणा किया उससे और भी ज्यादा घोषणा करना आज आवश्यक हो गया। क्योंकि जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का जो गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा, उन्होंने कभी नहीं देखा, हम लोग कभी नहीं देखा इस तरह से इतना बड़ा एक आर्थिक संकट आज पूरा विश्व में और आज देश में। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक शक्तिकांत दास जी, हम एक कॉलेज में हमने पढ़ा था, हम एक साल जूनियर है मेरा, तो उन्होंने आशावादी है, कोई बात नहीं, हम लोग उनको पैसे देते हैं आशावादी होने के लिए। मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो जो घोषणा आए हैं भारत सरकार से, वित्त मंत्री से, भारतीय रिजर्व बैंक से, आम आदमी आशावादी सचमुच होंगे कि नहीं, हमें तो नहीं लग रहे होंगे, और समय बताएंगे ये सारे जो घोषणा, जो कार्यक्रम इन्होंने घोषणा किया, इसका असर भारतवर्ष का अर्थव्यवस्था में क्या पड़ेगा। नमस्कार। You